ये आरटीआई एडवोकेट मोहित खटाना भाई ने लगाई थी, जो मॉडर्न इंडिया परिवार से भी जुड़े हुए हैं। और इस आरटीआई में उन्होंने पूछा था कि क्या वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य है, क्या वैक्सीनेशन नहीं लगवाने से किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा से व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। तो जवाब आप खुद देख सकते हैं, सरकार ने कहा है नहीं, वैक्सीनेशन लेना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है, मतलब आप अपनी इच्छा पर निर्भर करता है आप लें या ना लें। और अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो आपको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखा जा सकता। अब ये सरकार ने एक तरफ आरटीआई तो का जवाब तो दे दिया है, रिटर्न फॉर्म में दिया है, एडवोकेट मोहित खटाना भाई का धन्यवाद इस आरटीआई के लिए। लेकिन अब आप एक वीडियो भी देख लीजिए कि किस तरीके से लोगों को मैंडेटरी वैक्सीनेशन की ओर धकेला जा रहा है। ये सभी व्यापारी भाई ध्यान दें, सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिन्होंने 45 वर्ष उम्र है या उससे ऊपर है, वैक्सीनेशन नहीं कराया, उनके घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुकानें केवल उन्हीं की खुलेंगी जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। यदि उस उम्र के व्यापारी हैं जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बैठते हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उसको उस व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ई रिक्शा वाले, ऑटो, बस ड्राइवर आदि या सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों की उम्र 45 साल है उन्होंने वैक्सीन